भारतीय किसान यूनियन ग्रुप के किसानों ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 पर लगाया जाम। खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान की मृत्यु होने के रोष में पूरे प्रदेश भर में हाईवे जाम करने का आह्वान आज किया गया था। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश बैंस ने कहा कि सरकार ने किसानों के पक्ष में फैसला नहीं लिया तो कल किसान नेताओं की कोर कमेटी की बैठक कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर कल खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान की मृत्यु होने के रोष में पूरे प्रदेश भर में हाईवे जाम करने का आह्वान किया गया था। इसी कड़ी में आज भारतीय किसान यूनियन ग्रुप के किसानों ने प्रदेश भर में हाईवे जाम किए। वहीं कुरुक्षेत्र में भी किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि जिस प्रकार से कल खनौरी बॉर्डर पर एक युवा किसान की मृत्यु हो गई, उसका रोष प्रकट करने के लिए पूरे हरियाणा में हाईवे जाम किए गए हैं। उनका कहना है कि अगर अभी भी सरकार ने किसानों के पक्ष में फैसला नहीं लिया तो कल किसान नेताओं की कोर कमेटी बैठक कर आगामी रणनीति बनाएगी। सरकार से आर पार की लड़ाई के ऐलान को लेकर उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोई सही फैसला किसानों के पक्ष में नहीं लेती तो मीटिंग कर कोई फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार अपनी रणनीति बनाती है, उसी प्रकार किसानों को भी रणनीति बनाने आती है। काल थी कि आज तहसील स्तर पर सभी जगह पुतले फूके जाएंगे, परंतु कल जिस तरह से हरियाणा सरकार ने किसानों के ऊपर गोलियां दागी, जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे और जिस प्रकार से डंडा वहां पे लाठी चार्ज किया गया और जिस प्रकार से वहां पे ट्रैक्टर तोड़े गए, उसके रोष रूप जो है उस काल को बदल दिया गया था आज। और सारे हरियाणा में आज रोड जाम किए जाएंगे, इसी रोष रूप आज सारे हरियाणा के रोड जाम रहेंगे। और यदि सरकार अब भी नहीं चेती तो कल इस कोर कमेटी की मीटिंग है और इससे बड़ा कोई फैसला लिया जा सकता है। कल कहाँ पे है कोर कमेटी की मीटिंग? ये गुप्त रहेगी और उसके बाद ही हम अगली बात को बताएंगे मीटिंग के बाद आने के फैसला आने के बाद। सरकार ना मानी तो क्या आर पार की लड़ाई का भी ऐलान कर सकते हैं? देखिए, सरकार की मनाने की रणनीतियां होती हैं, उन रणनीतियों का व्याख्यान नहीं किया जा सकता मीडिया में। जैसे ही जिस प्रकार की सरकार रणनीति बनाएगी, उस प्रकार किसानों के पास भी रणनीति होती है और हमारे सीनियर लीडर उस प्रकार, क्योंकि 30 साल पुराना एक्सपीरियंस सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के पास है और उस एक्सपीरियंस के तहत ही हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। कदम तकर कदम आगे बढ़ता रहेगा ये आंदोलन, और यदि सरकार कोई और अत्याचार करती है तो ये आंदोलन और तेज होगा।